और साथ ही सन 2000 से हजरत अल्लामा शेख मोहम्मद मोहसिन इशलाकी साहब के बतौर उस्ताद यहाँ खदमत सरंजाम दे रहे हैं, तो आपने हजरत शेख मोहसिन इशलाकी साहब को अपना कैसा रफीक पाया और इस जामिया को एक मिसाली मदरसा बनाने में आप कितने हद तक कामयाब हुआ? शेख साहब के बारे में तो मेरे पास उनको कहने की कोई बात नहीं है, वो मैं उनको चाहता हूँ उससे ज़्यादा वो मुझे चाहता है। मेरी खुलूस दिन की उससे ज़्यादा उनकी खुलूस है, मेरी इलम से बारीक उनके इलम मौजूद है, मेरे हर चीज़ों से शेख मोहसिन ऊपर ऊंचा है। इसलिए कि जिसको मैंने अपने हदफ मशीन बना करके आया था, शेख साहब ने आके पहले भी देखा, तो वही हम साथ रहते थे, कमरे में साथ खाया साथ पिया, वो हम साथ रहते थे, वो जानता था, इसलिए वो उन्होंने मेरे लिए ज़बरदस्त किस्म के हामियों मतलब क्या अब भी है इंशाल्लाह रहेगा वो मिले और